अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू फरीदास किचन। हेलो गाइस, आज मैं आपको बनाना शेक बनाने का रेसिपी बताऊंगा। रेसिपी क्या है? बिल्कुल सिंपल है, आराम से बना लेना है। मैंने दूध ले लिया है, दूध जितना गाढ़ा होता अच्छा है। बनाना है खजूर 1.5 से, और ये पिस्ता है, और चीनी, और पीसने के लिए मिक्सी है जिसमें जूसर पीसा जाता है। अब जो है इसको हम मिक्स करके आगे बताएंगे। ओके, अब मैंने क्या किया है, 1.5 को काट करके बीजा निकाल करके डाल दिया है, पिस्ते को डाल दिया है पहले, और केले को काट करके डाला है। अब मैं इसमें जो है दूध डाल दूंगा। आप चाहे तो इसमें बर्फ भी डाल सकते हैं ठंडाई के लिए, लेकिन कोरोना का मौसम है तो ठंडाई ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। अब मैं इसमें चीनी भी मिला लूँगा और इसे मैं मिक्सी में चला लूँगा। अब हमारा बनाना शेक बन करके तैयार है। अब जो है इसको हम छान लेंगे, है ना। तो ये हमने छलनी में डाल दिया, अब यह आराम से छनेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो कुछ है ना, इसको आज ज़िंदगी है, आज लाइफ है, तो आज जो कुछ करना है कर ले, क्योंकि कल का कुछ भी पता नहीं। एक आदमी के बारे में आता है कि आखिरी वक्त है, मेडिकल में एडमिट है, डॉक्टर ने कहा कि डाब पी लो, तो उसके लिए घर से जो है तोड़ के डाब लाया गया। उस आदमी ने जब इस बुढ़ापे में डाब को पिया तो कह रहे थे कि अरे डाब इतना मीठा होता है, जबकि उसकी जो है 200-300 पेड़ उसके बगीचे में खुद की है, लेकिन उसने कभी पिया नहीं। कि जितने भी डाब होते थे सब जो है बेच दिया करते थे, खुद कभी नहीं पीते थे। तो आखिरी वक्त में पी करके क्या फ़ायदा। आज ज़िंदगी है, आज टाइम है, आज जो कुछ करना है कर लीजिए। ज़िंदगी के मज़े हैं, बाद में कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आज ये बनाना शेक जो है हम छान रहे हैं और ये छन जाएगा। उसके बाद में अब हमारा बनाना शेक बन करके तैयार है ना। मैंने इसमें जो है किसी भी तरह का कलर वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया, कि ओरिजिनल होता है ना। अगर इसमें हम कलर मिलाएंगे या फिर कोई भी आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक चीज़ें मिलाएंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह ही होगा। तो ओरिजिनल ही यूज़ करें सबसे बेहतर है, और अपना बना करके पिए। बाज़ार की जितनी भी चीज़ें हैं उससे बचें, और अपने घर में जो कुछ है उसको बना करके बेहतरीन आप पी सकते हैं। यह सेहत के लिए भी अच्छा होगा और इस महामारी के वक्त में हम सब के लिए भी अच्छा होगा। ओके गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटी बजा करके ऑल में क्लिक कर देना।